इधर दतिया में मां पीताम्बरा पीठ लोगों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देवी मां के स्वरूप में माता पीताम्बरा का यह शक्ति पीठ बहुत ही चमत्कार माना जाता है। मंदिर में वैसे तो साल भर ही भक्तों की भीड़ नजर आती है, लेकिन नवरात्रि और विशेष अवसरों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दतिया जिले में स्थित माँ पीताम्बरा के मंदिर से कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। राजा हो या रंक, माँ की नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं और इस सिद्धपीठ की स्थापना 1935 में परम तेजस्वी स्वामी जी के द्वारा की गई। माँ पीताम्बरा का जन्म स्थान, नाम और कुल आज तक रहस्य बना है। माँ का ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण सिद्धपीठ के रूप में देश भर में जाना जाता है। चतुर्भुज रूप में विराजमान माँ पीताम्बरा के एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिह्वा थाम रखी है। देश भर में नवरात्रि की धूम है और सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और ऐसे ही एक मंदिर, हम देवी पीताम्बरा मंदिर के बारे में जानेंगे कि देवी की क्या महिमा है, किस प्रकार से देवी पीताम्बरा की आराधना की जाती है, आखिर देवी पीताम्बरा को राज सत्ता की देवी क्यों कहा जाता है। हम मंदिर के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से माँ की आराधना की जाती है। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, देखिए देश भर से श्रद्धालु पीताम्बरा पीठ आते हैं दर्शन करने के लिए बगलामुखी माई के। ये पीताम्बरा माई जो है बगलामुखी माई का ही एक स्वरूप है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक देवी है, जो राजसत्ता की देवी इनको माना गया है। इनका स्वरूप राजसत्ता की देवी है और ये शत्रुओं पर विजय प्राप्ति दिलाने के लिए, कोर्ट केस वगैरह हो जाते हैं उनमें विजय प्राप्ति दिलाने के लिए यहाँ पे विशेष अनुष्ठान होते हैं। पीताम्बरा पीठ पर विशेष पूजन होता है, तांत्रिक पूजन होता है, जिसको करवाने के लिए देश भर से नेता भी नेता और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और माई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यही एक कारण है कि देश भर की पब्लिक जितना भी जिसका जो मनोकामना होता है वो माई के पास दर पे आते हैं, उनकी मनोकामना माई पूरी करती है। और नवरात्र का ये समय है तो यहाँ तो अभी बहुत लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए अपनी अपनी मनोकामना लेके। कहते हैं विधि विधान से अगर अनुष्ठान किया जाए तो माँ भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरा कर देती हैं। माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है और इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ खंडेश्वर महादेव और माँ धूमावती के दर्शन का सौभाग्य भी मिलता है। INH 24/7 के लिए दतिया से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।